नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे भ्रष्ट आईएएस अफसरों की जिन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी में बहुत नाम कमाया। हम सबको मालूम है कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार की पेट कितनी गहरी है। हांगकांग की एक कंसल्टेंसी फर्म पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क ने हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को एशिया की सबसे भ्रष्ट नौकरशाही बताया था। कुछ गिनती के ईमानदार आईएएस अफसरों को छोड़ दें तो ज़्यादातर आईएएस अफसर हमारे नौकरशाह भ्रष्टाचार की किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। वो अपने राजनीतिक अकाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की नई नई मिसालें कायम करते रहें। उनको ज़रूरत होती है तो सिर्फ राजनीतिक संरक्षण की। जो भी नए नए आईएएस अफसर बनते हैं यूपीएससी पास करके और जब इस नौकरशाही के तंत्र में आते हैं तो बहुत ईमानदार बने फिरते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, कस्में खाते हैं ईमानदारी की, लेकिन जब उनके फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होने लगते हैं, स्थानांतरण होने लगते हैं और ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी जाती हैं जहां वो असुरक्षित महसूस करते हैं, तब उनका ईमानदारी का सारा भूत उतर जाता है और वो इस तंत्र के अनुरूप ढल जाते हैं। और कई ऐसे ही तथाकथित ईमानदार अधिकारी ऐसे दुष्ट बनकर उभरते हैं कि जेल के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता जाने का। हमारे देश में सरकारी अधिकारी बनने के 3 लालच हैं। एक तो भोली भाली जनता पर हुकूमत करने का अवसर मिलता है, दूसरा सरकारी भत्तों का आनंद लेने का एक अजीब सा नशा होता है, और तीसरा होता है ऊपरी या अवैध या भ्रष्टाचार की कमाई का। इसके अलावा ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है इन सरकारी पदों पर कोई आकर्षित हो। ईमानदारी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम ऐसे ही 10 दुष्ट बेईमान मक्कार भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की बात करते हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। हमारे सबसे पहले भ्रष्ट आईएएस अधिकारी हैं एस मलाईचमी। वर्ष 2012 में 72 वर्षीय एस मलाईचमी को 52 लाख की गैर अनुमातिक संपत्ति के आरोप में 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना किया था दिल्ली की अदालत ने। एस मलाईचमी एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। 1971 बैच के ये आईएएस अधिकारी दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारी भी रह चुके हैं। हमारे दूसरे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी है नितेश जनार्दन ठाकुर। नितेश जनार्दन ठाकुर के डुप्लेक्स बंगले पे मुंबई में जब सन 2012 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा तो सबकी आंखें हतप्रद रह गईं। उनके पास 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति मिली। उनके पास 10 लग्जरी गाड़ियाँ थीं जिसमें मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू और लैंड रोवर भी थी। नितेश जनार्दन ठाकुर और उसकी पत्नी के नाम से 300 से ज़्यादा बोगस शेल कंपनियों के कागजात भी मिले। जब नितेश जनार्दन ठाकुर अलीबाग में कलेक्टर था तो जमीन घोटाले के संबंध में भी उसका नाम जुड़ा था। तब टीसीबी सीआईडी ब्रांच ने उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाया था और जांच शुरू की थी। उनके ऊपर विभिन्न आईपीसी की धाराओं पर केस दर्ज किया गया था। इससे पहले कि पुलिस उसको गिरफ्तार करती वो विदेश भाग गया। आजकल कहा जाता है कि वो दुबई में है। हमारे तीसरे और चौथे दुष्ट और भ्रष्ट अधिकारी हैं अरविंद जोशी और टीनो जोशी।
ये दोनों आईएएस कपल टीनू जोशी और अरविंद जोशी एक साथ एमबीए की ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों का एक साथ ही आईएएस में चयन हुआ और दोनों को एक ही कैडर मिला। जब इनके घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा तो लोगों की आंखें चुंधिया गईं। हर जगह नोट ही नोट भरे थे, बाथरूम में, बिस्तर के नीचे, दीवारों के अंदर। आजकल दोनों अपने कुकर्मों की सजा जेल में एक साथ भुगत रहे हैं। हमारी पांचवी भ्रष्ट आईएएस अधिकारी हैं नीरा यादव। नीरा यादव 1971 की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उनको सीबीआई कोर्ट ने 2012 में सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा के रखा था। नीरा यादव का नाम कई जमीन घोटालों में यूपी और नोएडा में आया था। जब वो नोएडा की अध्यक्ष थी तब उनके संबंध कई राजनेताओं और व्यापारियों से थे। उन्होंने कई राजनेताओं और व्यापारियों को ज़मीनें बांट दी पॉश कॉलोनी में। नीरा यादव के राजनीतिक संबंधों के चलते कोई उनकी शिकायत नहीं करता था, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीज़न को पलटकर नीरा यादव को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा दी गई। हमारे छठे भ्रष्ट आईएएस अफसर हैं बाबूलाल अग्रवाल। बाबूलाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। जब आयकर का छापा मारने अधिकारी उनके घर पहुंचे तो इनकम टैक्स अधिकारियों के मुंह खुले रह गए। 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनके नाम मिली, 400 से ज़्यादा बेनामी बैंक अकाउंट मिले, 16 से ज़्यादा शेल कंपनियों के ऑनरशिप के कागजात मिले। जो बेनामी अकाउंट पाए गए उसमें 40 करोड़ रुपए थे। जो 16 शेल कंपनियों के कागजात मिले उसके थ्रू वो हवाला ट्रांजैक्शन करते थे। बाद में ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी संपत्तियों को अटैच कर लिया। हमारे साथ में करप्ट अफसर हैं टी ओ सूरज केरल केडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज़ में रहा है। जब वो केरल में कोझिकोड में कलेक्टर थे तो उनका नाम हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने में भी आया था। जब उनके घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा तो उनके घर से 20 लाख कैश और 30 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली। टीओ सूरज के कोची में 7 फ्लैट्स होने का भी पता चला। बाद में ये भी पता चला कि वो बेनामी लेन देन किया करते थे। हमारे 8वें करप्ट अफसर है राकेश बहादुर। राकेश बहादुर उत्तर प्रदेश के एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज़ में रहा है। 2009 में मायावती ने उनको निलंबित कर दिया था इस आरोप में कि उन्होंने 4000 करोड़ का जमीन घोटाला किया है। बाद में जब अखिलेश सरकार आई तो 2.5 साल बाद उनको अखिलेश सरकार ने बहाल कर दिया और नोएडा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का चेयरमैन बहाल कर दिया। हमारे 9वें भ्रष्ट अधिकारी हैं सुभाष अहलूवालिया। सुभाष अहलूवालिया हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुख्य निज सचिव थे। विजिलेंस ब्यूरो ने उनकी और उनकी पत्नी से गैर अनुपातिक संपत्ति के बारे में पूछताछ की थी। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी गई। हमारे 10वें और आखिरी भ्रष्ट आईएएस अधिकारी हैं राकेश कुमार जैन।
राकेश कुमार जैन जब कॉमर्स विभाग में डायरेक्टर थे तब उन पर करप्शन का चार्ज लगा था। उन पर 7.5 लाख घूस लेने का आरोप था। उन पर 2 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया था। उनको इस मामले में निलंबित कर दिया गया था, साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने झारखंड स्थित एक कंपनी को कोल लिंकेज मामले में फ़ायदा पहुंचाया था। सीबीआई ने उनको करप्शन और षड्यंत्र के मामले में दोषी पाया था। भ्रष्टाचारियों और बेईमानों ने हमारे देश को दीमक की तरह खा लिया है। अब इस देश को सिर्फ जनता ही बचा सकती है। जनता की जागरूकता से ही ये देश ऐसे बेईमानों, दुष्टों और मक्कारों से बचाया जा सकता है। तो देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इनके खिलाफ एक मुहिम बनानी पड़ेगी। इनको किसी भी तरह का सपोर्ट देना बंद करना होगा, नहीं तो ये देश किसी भी दिन श्रीलंका की तरह भरभरा कर गिर जाएगा। नमस्कार।